वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस एंड वेलकम टू ऑल अबाउट। कैसे हुए, क्या हाल चाल है आप लोगों के? आज मैंने मैसेज ड्रॉप नहीं किया था टेलीग्राम ग्रुप पर, आई वाज वेटिंग लाइक कितने लोग अटेंड कर लेते हैं। सुबह सुबह बिल्कुल टाइम पर आ जाते हैं उठकर बिना मैसेज किए, तो वो मैं देखना चाह रहा था, तो दैट इज वाई स्किप द मैसेज टुडे। चलिए न्यूज की बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज से। टाटा स्टील अनाउंस दैट द वर्किंग एम्प्लॉयज ऑफ टाटा स्टील who died because of the COVID, their family will continue to get the salary till the age of 60. मतलब एक तरीके से पेंशन दिया जा रहा है 60 वर्ष की उम्र होते तक, जो भी उनका नेक्स्ट नॉमिनी या स्पाउस है, एक्चुअली पर्टिकुलरली कहें तो स्पाउस को। सो यस्टरडे टाटा स्टील वॉज इन ट्वीट, इट वॉज रोमिंग एवरीवेयर दैट ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर टाटा स्टील एंड टाटा is the only company which can do this right in India. इतना ट्रस्ट अभी टाटा पर ही है अभी तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये फर्स्ट न्यूज मैंने सोचा लेना अच्छा होगा एंड रियल एप्रिसिएशन फॉर द बिजनेसमैन हु इज नॉट रनिंग इन द रेस ऑफ बी द रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया और द रिचेस्ट पर्सन ऑफ वर्ल्ड। वो कभी इस रेस में नहीं रहे, यू नो अबाउट रतन टाटा, he is always happy and satisfied. Yeah. चलिए next है, never let the fear of striking out stop you from playing the game. We always have a fear that if I will not get succeed, then हमेशा वो जो failure का एक डर होता है, एक फियर होता है, इट ऑलवेज ट्राई टू स्टॉप अस इवन इन द पार्टिसिपेशन। और अगर हम पार्टिसिपेशन से हट जाते हैं, सो दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ आवर लाइफ, या सबसे बड़ा फेल। आप तो फेल हो गए ना, इफ यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इट मींस यू आर फेल। इफ यू विल पार्टिसिपेट देर आर चांसेस मे बी यू विल गेट पास और यू आर फेल, बट अगर पार्टिसिपेशन से बाहर ही हो गए आप तो फेलियर तय है। इस चीज को याद रखिएगा। SBI क्लर्क 2021 क्रैश कोर्स हमारा लॉन्च हो चुका है, यू कैन ज्वाइन इट एंड इट इज द डिटेल्स आर अवेलेबल ऑन द ऑलिव बोर्ड एज वेबसाइट। यू कैन विजिट द वेबसाइट ऑफ ऑलिव बोर्ड टू टेक द डिटेल्स। प्री का कोर्स है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम बैचेस आर सेपरेट। इंग्लिश मीडियम बैच विल बी टेकन बाय हार्दिक सर, विवेक सर एंड मुकेश सर। हिंदी मीडियम बैच will be taken by them and English medium batch will be taken by Harshita ma'am, Nikita ma'am and Priyanka ma'am. So girls gang jo hai wo English medium batch ko lene wali hai sir. Start karta hu main, sirf 5 MCQs starting mein discuss karunga, then we'll move towards the news of the day because humare paas already pending news bachi hai abhi. Friday, Saturday, Sunday, Monday I was unavailable. To humare paas 4 din ka news hai. Till this Friday we'll try to cover each and every news of last week एंड दिस वीक। तो मैं कोशिश करूंगा कि डेली कुछ 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 पुराने जो हमारे न्यूज स्किप हुए या मिस हुए, स्किप तो नहीं बोलना चाहिए, मिस हुए, उनको मैं कवर करते हुए चलूं। यहां पर क्वेश्चन देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द रीसेंट नोटिफिकेशन ऑफ RBI टू ऑल द बैंक्स नॉन बैंक कंपनीज प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट इश्यूअर्स। ये कल मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है आप लोगों के साथ, बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया हुआ था कल ये। या दिस इज व्हाट द पापा क्वेश्चन इज दैट मैक्सिमम अमाउंट आउटस्टैंडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ फुल KYC PPI इज नाउ 2 लाख रुपी, पॉइंट नंबर वन है। आई एम फाइंडिंग इट इज करेक्ट। सेकेंड बोल रहा है आपके पास PPI इश्यूअर टू प्रोवाइड द इंटरपोर्टेबिलिटी ऑफ फुल KYC PPI बाय मार्च 31st 2022, पॉइंट नंबर टू। अभी भी लग रहा है मुझे कि पॉइंट सही है। पॉइंट नंबर थ्री, मैक्सिमम कैश विड्रॉल लिमिट। सो दिस पॉइंट इज रॉन्ग गाइस, ये पॉइंट आपका गलत है, क्योंकि मैक्सिमम जो आपका कैश विड्रॉल लिमिट है पर ट्रांजेक्शन, इस पर ट्रांजेक्शन लिमिट विल बी 2000 रुपी एंड 10,000 रुपी विल बी द लिमिट ऑफ पर मंथ। पर मंथ का जो आपका लिमिट है वो आपका 10,000 रुपी होगा, 2,000 रुपी विल बी द लिमिट
विल बी द लिमिट फॉर पर ट्रांजेक्शन। ये हमने डिटेल्ड कल डिस्कशन ऑलरेडी किया हुआ है, याद रखिएगा हर एक पॉइंट को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। आई वॉन्ट टू आस्क यू वन मोर क्वेश्चन, दैट आरबीआई रिसेंटली ट्रांसफर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली ट्रांसफर्ड हाउ मच सरप्लस अमाउंट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कितना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन्होंने फंड ट्रांसफर किया है, दैट इज द प्रॉफिट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2020-21, 2020-21 का फाइनेंशियल ईयर कितना अमाउंट है, 99,122 करोड़, राइट, या 99,122 करोड़, वेरी गुड। नाउ यस्टरडे आई यूज्ड द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट वॉज दैट that this amount was the 100% profit of last financial year. ये last financial year का 100% profit था, total profit transferred. अब यहां पर question उठा, कुछ बच्चों ने पूछा सर 5.5% RBI is maintaining contingency fund. ये भी मैंने कल explain किया है, what is the meaning of contingency fund. सर 5.5% आरबीआई इज मेंटेनिंग कंटीजेंसी फंड, 100% ट्रांसफर्ड, हाउ इज इट पॉसिबल, करेक्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल करेक्ट है। नाउ अंडरस्टैंड इट इन दिस वे, फॉर एग्जांपल मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको बोलूं कि फॉर एग्जांपल टिल द मंथ ऑफ दिस मंथ इज मे, टिल द मंथ ऑफ मार्च, टिल द मंथ ऑफ मार्च फॉर एग्जाम्पल माई सेविंग वॉज 2 लाख रुपए, my saving was 2 lakh rupee, this is what my saving is in the month of March, theek hai, April from my profit, stocks, everywhere I got the profit of how much, I got the profit of, for example, 50,000 rupee was my profit April, so this total profit I have transferred to my father, this total profit I have transferred to my father. I said that 100% profit of April I have transferred to my father. Still I am maintaining the saving of 2 lakh rupee. So still RBI is maintaining 5.5% contingency fund which RBI was maintaining previously. Wo pehle se maintain tha. This amount from this profit RBI has not increased a single penny. This total sum has been transferred to Reserve Bank of India. Point samajh mein aa gaya sir? अच्छा आवाज क्लियर है क्या, इज माय वॉइस क्लियर, वीडियो इज स्टक दैट इज ओके, इज माय वॉइस क्लियर टू यू एवरीवन, इज माय वॉइस क्लियर, इज माय वॉइस क्लियर टू यू गाइस, guys is my voice clear to you, yeah sound clear hai, yeah that is okay, voice clear hai na, that is okay, we just need voice, yeah we just need voice and screen, video is not a issue, leave the video, voice is clear, perfect, right, okay let's move then, this concept is clear, did you heard me, did you heard my example, I said that if in the month of March my saving was 2 lakh rupee, March month mein mera saving 2 lakh rupee tha and I have generated a profit of 50,000 in the month of April and the total profit I have transferred to my father, similar to that Reserve Bank of India has also done, this 5.5% was maintained by RBI previously, theek hai, haan chaliye aage badhe, next question guys, thoda sa speed pakadte hain, next question, central board of direct tax has extended the due date of filing the income tax returns for the financial year 2021 for all the individuals till which date, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने व्यक्तियों के निर्धारण वर्ष 21-22 के लिए आयकर रिटर्न भरने की जो तारीख है उसको कितनी तारीख तक, किस डेट तक बढ़ा दिया है, जी करेक्ट आंसर इज सेप्टेंबर 30, 2021 एंड फॉर कंपनीज,
एंड फॉर कंपनीज द डेडलाइन विल बी 30th of November. फॉर इंडिविजुअल्स इट इज 30th September. फॉर कंपनी इट विल बी 30th of November. नेक्स्ट वन, हाइपरवर्ज द एआई प्रोडक्ट स्टार्टअप हैज पार्टनर्ड विथ विच बैंक फॉर द वीडियो बैंकिंग सॉल्यूशन टू प्रोवाइड द कन्वीनियंट डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज टू देयर कस्टमर्स. किस बैंक के साथ हाइपरवर्ज ने हाल ही में समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसके तहत हाइपरवर्ज उस बैंक के ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने में सहायता करेगा? करेक्ट आंसर इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. एसबीआई न्यूज डिस्कस करना है, काफी दिनों से मैं वेट कर रहा हूं दैट विल डिस्कस एसबीआई न्यूज, बट वी विल वेट फॉर वन मोर वीक. दिस वीक विल वेट एंड नेक्स्ट वीक विल रिवाइज द पॉइंट्स गाइज. इस वीक ऑलरेडी हमारे पास न्यूज अच्छे खासे हैं, नेक्स्ट वीक हम रिवाइज करेंगे. ठीक है, आ जाते हैं न्यूज पर. फाइनेंशियल न्यूज है. डेडलाइन फॉर मैंडेटरी हॉलमार्किंग ऑफ गोल्ड एक्सटेंडेड टू 15th June फ्रॉम द प्रीवियस डेडलाइन ऑफ June 1st. 1 June से गोल्ड हॉलमार्किंग मैंडेटरी इंप्लीमेंट होना था इंडिया में. इट शुड बी इंप्लीमेंटेड एज पर द प्रीवियस ऑर्डर, but now it will be implemented from 15th of June. because of the covid there are few issues which should be resolved. Still lots of jewelers in India, they are not comfortable to implement it, right? We are at end of May, so there is a committee formed by the government of India under the BIS director general Pramod Tiwari. He will ensure the proper coordination and to resolve the implementation issue of this mandatory hallmarking of gold. So now gold will be available in three categories. Teen categories mein gold available hoga. I know that lots of girls are having complete focus here. I know this thing. They are looking for design and maybe they started calling, mom, just come here, see. Sir kept one of the very beautiful bangles there. I also need this. So guys, focus here also, this area also. Yeah, this side also. Okay. So now it will be available in three categories. That is BIS 916. It is called BIS 916. So 916 is actually 91.6% प्योरिटी. इसका प्योरिटी जो है वो 91.6% प्योरिटी है. 22 कैरेट. 916 मीन्स इट विल बी 22 कैरेट. आफ्टर दैट 750 18 कैरेट. 585 14 कैरेट. तो वी विल बी हैविंग दिस गोल्ड इन थ्री कैटेगरीज ओनली. 22 कैरेट, 18 कैरेट एंड 14 कैरेट. तीन कैटेगरी में आपको गोल्ड अवेलेबल होगा इंडिया में. From which date? From 15th of June. 15 June के बाद से. Point clear है? चलिए आगे बढ़े. हाँ, boys are looking for price, correct. Very good. चलो next point guys. Financial news, FDI, foreign direct investment. बहुत short में पहले बता देता हूँ. What is the meaning of FDI? FDI का मतलब क्या है? कल हमने बहुत short में इसको discuss किया था news को. But today we'll do one thing, we'll discuss in brief this news, each and every data we'll try to pick it out. So if the papa question comes in the SBI clerk examination which we got last year, we should be ready. If you are planning to write UPSC mains examination, you should be ready. Pre mains any exam, you should be ready with the data. So har ek data ko hum yahan se nikalne ki koshish karenge. Theek hai, main screen par wapas aa gaya hu. First thing, what is FDI? FDI is what? Foreign direct investment is the full form. FDI is the investment of a foreigner or a foreign company in India, not only in the stock market, it can be in the stock market, it can be in the real world. In the stock market means they are acquiring majority of the stock of a company where they get the regulating authority of a company. Agar stock market mein invest kar rahe hain, तो वहां पर इतने शेयर्स खरीद लो कि कंपनी का कंट्रोल आपके पास आने लगे, कंपनी की डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी आपके पास आने लगे. फॉरेनर्स भारत में कर रहे हैं, या फिर रियल वर्ल्ड में आकर आप अपनी फैक्ट्री लगा लें, आप अपनी कंपनी लगा लें, आप अपनी सर्विस यूनिट लगा लें,
मैं एग्जाम्पल दे देता हूं, मैं हर बार वही देता हूं एग्जाम्पल, और बहुत सिंपल है याद रखना, डोमिनोज पिज्जा हट है, केएफसी है, बाटा है, ये इंडियन कंपनीज नहीं है, बहुत एग्जाम्पल है, ठीक है। आप अपने आसपास देखेंगे ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम्पल आपको एफडीआई का एग्जाम्पल मिलेगा, ठीक है, ऑलमोस्ट हर एक। हिंदुस्तान यूनिलीवर आप कंपनी का नाम सुनते हैं, उसके बाद और भी कंपनीज जो हैं, ऑलमोस्ट कंपनीज अराउंड यू आर द एग्जाम्पल ऑफ एफडीआई, ठीक। अब यहां से डेटा उठाते हैं, ठीक, थोड़ा सा डेटा पर ध्यान दीजिएगा। तो व्हाट इज एफडीआई, टोल्ड यू इंडिया रिसीव्ड रिकॉर्ड ऑफ एफडीआई इन द फाइनेंशियल ईयर 21, दैट इज द फाइनेंशियल ईयर 2021 फाइनेंशियल ईयर में इंडिया को कितना मिला है, 81.72 बिलियन, 81.72 बिलियन वॉज द एफडीआई, 10% हायर देन द फाइनेंशियल ईयर 20। इसका मतलब हुआ 2019-20 की कंपैरिजन में 2021 10% ज्यादा आए। एफडीआई इक्विटी इनफ्लो, इक्विटी इनफ्लो मींस व्हाट, इन्वेस्टमेंट इन द इक्विटी, इक्विटी मार्केट, स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट और स्टॉक मार्केट, इट हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 19%, 19% इंक्रीज हुआ है सर इक्विटी में इन्वेस्टमेंट। सो यू कैन, ये सेपरेटली नहीं है, 81.72 बिलियन टोटल आया है, आउट ऑफ विच 59.64 बिलियन ये आपका अमाउंट आया है इक्विटी में इन्वेस्टमेंट, किसी कंपनी का स्टॉक परचेस किया है इंडिया में, इंडियन कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है, और बड़ा इन्वेस्टमेंट है, मोर देन 10% इन्वेस्टमेंट इन अ कंपनी। अगर आप डायरेक्टली 10% से ज्यादा स्टॉक परचेस कर लेते हो, दैट कंसिडर एज एफडीआई नॉट एफआईआई, लेस देन 10% एफआईआई में रखते हैं, मोर देन 10% एफडीआई में रखते हैं। सो इक्विटी, इक्विटी एफडीआई इज 19% हायर, एफडीआई इज 10% हायर देन लास्ट ईयर, इक्विटी एफडीआई इज 19% हायर देन लास्ट ईयर। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया हो तो सीसी लिख दे फटाफट से, जल्दी से सीसी लिख दे कि हाँ दोनों में अंतर समझ में आ गया। एफडीआई जब मैं बोल रहा हूं 10% विच इज हायर, आई एम टॉकिंग अबाउट द टोटल एफडीआई, टोटल टोटल एफडीआई, टोटल मनी केम फ्रॉम द फॉरेन नेशन टू इंडिया इन द फॉर्म ऑफ एफडीआई। व्हेन आई एम यूजिंग द टर्म एफडीआई इक्विटी, इट मींस द मनी इन्वेस्टेड इन द स्टॉक्स, स्टॉक्स ऑफ फ्यू इंडियन कंपनीज, वेयर द इन्वेस्टमेंट वॉज मोर देन 10% ऑफ दैट कंपनी स्टॉक्स, एंड दिस इक्विटी इन्वेस्टमेंट वॉज 19% हायर देन कंपेयर टू लास्ट ईयर, पिछले साल से 19% ज्यादा था ये। हाँ, एक्विजिशन बोल सकते हो आप, बिल्कुल बोल सकते हो एक तरीके से, ठीक। नाउ सिंगापुर वॉज द बिगेस्ट इन्वेस्टर इन इंडिया लास्ट फाइनेंशियल ईयर, सिंगापुर का एफडीआई सबसे ज्यादा आया है, 29% ऑफ टोटल एफडीआई, टोटल एफडीआई जो था इंडिया में इन्वेस्टमेंट का उसका 29% सिंगापुर से आया, फॉलोड बाय यूएसए 23%, मॉरिसस 9%। देयर वाज अ टाइम व्हेन मॉरिसस यूज्ड टू बी द कंट्री ऑफ हाईएस्ट एफडीआई इन्वेस्टर इन इंडिया 2-3 years फाइनेंशियल ईयर बैक, बट नाउ मॉरिसस इज ऑन थर्ड पोजीशन, सिंगापुर इज ऑन टॉप फ्रॉम लास्ट टू फाइनेंशियल ईयर। तो सिंगापुर टॉप पर है, 29% इन्वेस्टमेंट किया है सर। इंडिया रिसीव रिकॉर्ड एफडीआई ऑफ 81, ये तो हो गया ना पॉइंट, हाँ यहां पर आओ पॉइंट नंबर 2, विच स्टेट रिसीव्ड मैक्सिमम एफडीआई, गुजरात, सिंपल, बहुत सिंपल रखूंगा, किस राज्य में सबसे ज्यादा एफडीआई आया, गुजरात, फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। सो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एफडीआई। Which sector received the maximum FDI? Computer software and hardware sector. Computer software and hardware sector. सबसे ज्यादा FDI कहां आया, तो इस सेक्टर में आया, followed by construction, infrastructure, service allied. तो ये आपका हर एक point which can create question in your examination we have discussed here. I hope हर एक point clear होगा। तो गुजरात, गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, सीक्वेंस में आपके जो है स्टेट्स याद रखने हैं आपको जी। चलिए ये बफरिंग का थोड़ा सा, आज मेरा कैम, या समटाइम्स एक्चुअली माय कैम इज नॉट एबल टू हैंडल, या इज नॉट एबल टू हैंडल माय सेल्फ ओनली,
राइट। नेक्स्ट गाइस, सिंडिकेट बैंक आईएफएससी, आईएफएससी मीन्स इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड दैट इज लाइक एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल इफ एसबीआई, इफ यू विल सी द आईएफएससी कोड ऑफ एसबीआई, इट विल बी एसबीआईएन 0443785, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। सो फर्स्ट फोर अल्फाबेट कैरेक्टर इट रिप्रेजेंट्स बैंक, लास्ट सिक्स न्यूमरिक कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स ब्रांच, ब्रांच एंड फिफ्थ डिजिट इज फॉर फ्यूचर यूज, इट इज कॉल्ड कंट्रोल यूनिट, इट इज फॉर फ्यूचर यूज एंड इट इज कॉल्ड कंट्रोल यूनिट, इट इज कॉल्ड कंट्रोल यूनिट। MICR, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन कोड 3378456665, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। सो दिस इज द टोटल 9 डिजिट कोड, इट रिप्रेजेंट सिटी, बैंक एंड ब्रांच, सिटी, बैंक एंड ब्रांच। ओके, सो दीज कोड्स विल बी नाउ सिंडिकेट बैंक got merged with which bank? Canara Bank. So merged with Canara Bank. Now from July 1st, all the IFSC code and MICR code of Syndicate Bank will be removed. मतलब हटा दिए जाएंगे and customers will require to use the IFSC and MICR of Canara Bank. तो डेट याद रखिएगा, डेट क्या होगा सर आपका, डेट होगा July 1st से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जी, सिटी बैंक ब्रांच होता है, बढ़िया, तो July 1st। नेक्स्ट, हु इज द चेयरमैन ऑफ, हु इज द चेयरमैन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनोवेशन हब, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनोवेशन हब के चेयरपर्सन के रूप में किसको, कौन है अभी करंट में किसको अपॉइंट किया गया है, हु इज द चेयरमैन ऑफ, या ऑल क्लोज्ड, ओबीसी शिफ्टेड टू पीएनबी, करेक्ट है, या गाइज क्विक आंसर, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनोवेशन हब, बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर इज एस के गोपाल कृष्णन, एस के गोपाल कृष्णन इज द चेयरमैन, दैट फुल नेम इज श्री सेनापति कृष गोपाल कृष्णन, को फाउंडर एंड फॉर्मर को चेयरपर्सन ऑफ इंफोसिस, ही इज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनोवेशन हब। What about Mr. Rajesh Bansal? Rajesh Bansal appointed as CEO, Chief Executive Officer appoint हुए हैं सर, मैंने यहां पर आपसे चेयरमैन पूछा था। रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, द फर्स्ट रूल ऑफ GA, फर्स्ट एंड लास्ट रूल ऑफ GA, राइट। नाउ हियर, what about Mr. Krishnan Ramanujan? Mr. Krishnan Ramanujan is the President and Business Head of TCS and he is currently working on the position of VP, Vice President of VP of NASCOM, VP of NASCOM, ये भी current में VP है NASCOM के। What about the President of NASCOM? Who is the President of NASCOM? NASCOM President is Mr. Rekha Menon, Miss Rekha Menon. Mr. R.V. Verma is the chairperson of NHB, National Housing Bank. S. Raman, SIDBI, Small Industries Development Bank of India. Next one. Last question and after that we'll move towards the news guys. हम बहुत जल्दी में move करेंगे, news की तरफ चलेंगे. Who has been elected as the member of Badminton World Federation, member of Badminton World Federation Council for the period of 2021 to 25. तो 2021 से 25 की अवधि के लिए Badminton World Federation परिषद के सदस्य के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया है, करेक्ट आंसर है हेमंता बिश्वा शर्मा। हु इज दिस पर्सन, ही इज होल्डिंग लॉट्स ऑफ इंपॉर्टेंट पोजिशन, फर्स्ट ऑफ ऑल
चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम, ही इज करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम, ही इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बैडमिंटन एशिया, बैडमिंटन एशिया के वाइस प्रेसिडेंट हैं सर, राइट। एंड आफ्टर दैट हु आर दीज पीपल, नरेंद्र बत्रा की बात करें, सो हु इज नरेंद्र बत्रा, नरेंद्र बत्रा सर, नरेंद्र बत्रा सर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के चेयरपर्सन है। रिसेंटली ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन प्रेसिडेंट मिस्टर नरेंद्र बत्रा, राइट। मनीषा कपूर, बहुत शॉर्ट शॉर्ट में मूव करूंगा बट इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट कवर कर लेंगे। ASCI एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया का अपॉइंट किया गया इनको, ही शी हैज बीन ऑल्सो अपॉइंटेड एज द वीपी ऑफ इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एडवर्टाइजिंग सेल्फ रेगुलेशन। नीरा टंडन, नीरा टंडन अपॉइंटेड एज सीनियर एडवाइजर टू यूएस प्रेसिडेंट, यूएस प्रेसिडेंट की सीनियर एडवाइजर अपॉइंट हुई है। गीता मित्तल जो है, गीता मित्तल इज द चेयरपर्सन ऑफ ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल, ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल की चेयरपर्सन एंड रिसेंटली ऑनर्ड विथ अरलाइन पच अवार्ड। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूज गाइस, मूव करते हैं अपॉइंटमेंट्स की तरफ। आप लोगों ने न्यूज जरूर देखा होगा कल, एंड आई थिंक यस्टरडे नाइट इट केम इन द न्यूज की जो न्यू डायरेक्टर ऑफ CISF, करंट डायरेक्टर ऑफ CISF मिस्टर सुबोध कुमार जायसवाल सर, हु वॉज द फॉर्मर DGP ऑफ महाराष्ट्र ऑल्सो, नाउ ही विल बी द डायरेक्टर ऑफ CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्टर होंगे फॉर CISF। CISF के नए डायरेक्टर का नाम भी अब आपको याद करना पड़ेगा, सुबोध कुमार जायसवाल सर इज गोइंग टू लीड CBI नाउ। 1985 बैच कैडर के IPS ऑफिसर हैं, महाराष्ट्र कैडर से हैं, महाराष्ट्र के DGP भी रहे हुए हैं। ही ऑल्सो वर्कड विथ IB इंटेलिजेंस ब्यूरो, ही वर्कड विथ रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, सो देर विल बी नो डिपार्टमेंट इन इंडिया सून वेयर ही विल नॉट हैव एक्सपीरियंस, और कि इन्होंने लीड ना किया हो और उसमें काम ना किया हो। ऑलमोस्ट एवरी डिपार्टमेंट हैज बीन कवर्ड बाय हिम, वन ऑफ द फेवरेट ऑफिसर आई फील लाइक, या बफरिंग हो रहा है ना, आई नो दिस थिंग। पता नहीं क्या है कैम, व्हाई द कैम हैव प्रॉब्लम विथ मी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, हाँ नेक्स्ट देखें, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो प्रेसिडेंट डेनिस सासो अपॉइंटेड अनातेलो माकोसो एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। कॉन्गो के नए प्रधानमंत्री का नाम क्या है सर? अनातोलो माकोसो, बहुत सिंपल सा नाम है, सी अना तोले और तेलो, वट एवर यू वॉन्ट टू प्रोनाउंस, अनातोले माकोसो इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कॉन्गो, माकोसो कॉन्गो, सिमिलर है ना, सो माकोसो कॉन्गो। एंड कैपिटल करेंसी आई हैव गिवन हियर ऑल्सो, एंड ही वॉज वर्किंग एज द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ कॉन्गो प्रीवियसली, नाउ ही विल बी लीडिंग द कंट्री ऑन द पोजिशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो नए अपॉइंटमेंट में ये पॉइंट होगी आपके पास। नेक्स्ट वन, इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, बेंजामिन अपॉइंटेड डेविड बार्निया एज द न्यू हेड ऑफ मोसाद। डेफिनेटली एटलीस्ट वंस इन योर लाइफ मे बी यू हर्ड अबाउट मोसाद, मोसाद कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट intelligence agency in the world, even best intelligence agency in the world, like we have in India RAW or IB, India mein hamare paas RAW aur IB hai na, research and analysis wing intelligence bureau, Israel have Mossad, yes, Israel have Mossad, yes Mossad is best, correct, so Mossad के नए चीफ अपॉइंट हुए मिस्टर डेविड बार्निया विल बी द न्यू चीफ ऑफ इट। एंड स्पाई एजेंसी है, ही वॉज वर्किंग विद दिस एजेंसी टिल 2016, फर्स्ट ऑफ जून ही विल टेक द
चार्ज ऑफ डायरेक्टर ऑफ मोसाद। नेक्स्ट वन, अवार्ड्स की लिस्ट में सिंगल अवार्ड डिस्कस करने वाले हैं, सिंगल अवार्ड आई हैव गॉट टू डिस्कस इंपॉर्टेंट अवार्ड्स के लिस्ट में, दैट इज साजी, मिस्टर साजी एम, मिस्टर साजी एन एम, मिस्टर साजी एन एम फेमसली इज नोन एज ट्यूबरमैन, ट्यूबरमैन ऑफ केरला, ट्यूबर फॉर वेजिटेबल, फॉर ट्यूबर वेजिटेबल्स, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ डोमेस्टिक ट्यूबर वेजिटेबल्स। तो भारत में जैव विविधता पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है बाय इंडियन बायोडायवर्सिटी अवार्ड 2021। हु हैज बीन ऑनर्ड, साजी एन एम हैज बीन ऑनर्ड विद दिस वन, साजी एन एम जी को सम्मानित किया गया है। दीज वेजिटेबल्स, दीज रूट वेजिटेबल्स आर कॉल्ड ट्यूबर वेजिटेबल्स, इन्हीं को कहा जाता है ट्यूबर वेज। ठीक है, जिंजर, गार्लिक, पोटैटो, नॉट टमाटो, पोटैटो, हाँ, तो दीज वेजिटेबल्स कम्स अंडर विच कैटेगरी, ट्यूबर वेज। एंड इनको, इनके कंजर्वेशन के लिए, इनको बचाने के लिए, इनके प्रोडक्शन के लिए ही गॉट दिस अवार्ड, इंडिया बायोडायवर्सिटी अवार्ड 2021, साजी एन एम, पॉपुलरली नोन एज ट्यूबर मैन ऑफ केरला, केरला को बिलोंग करते हैं सर। ठीक है, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, नेशनल इंटरनेशनल स्टेट इन न्यूज, नेशनल इंटरनेशनल स्टेट इन न्यूज पर आते हैं। फर्स्ट न्यूज इज वात्सल्य योजना। नाउ यू विल बी गेटिंग लॉट्स ऑफ पॉइंट्स गाइज, सून वी हैव टू स्टार्ट रिवाइजिंग द पॉइंट्स लाइक वी वर मेकिंग द नोट्स ना, स्टेट इन न्यूज, स्टेट इन न्यूज वाले वो पॉइंट हम बनाते थे, आई जस्ट वॉन्ट टू कम ऑन द स्क्रीन कि मैं आपको दिखा दूं, और माई ओल्ड नोटबुक इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड एंड वॉट द न्यू वन, एंड इन दैट न्यू वॉट वाई आई एम टेलिंग यू दिस पॉइंट, दैट इज ऑल्सो हैव अ रीजन कि देखो स्टेट इन न्यूज लास्ट ईयर के जो पॉइंट्स थे हमारे अब वो काम नहीं करेंगे, लास्ट ईयर द पॉइंट्स विच वी मेड दैट विल नॉट वर्क गाइज, सो दिस ईयर स्टार्ट मेकिंग नोट्स प्रॉपरली। मैंने भी स्टार्ट किया, झारखंड के पॉइंट्स लिख लिए हैं, सो झारखंड, एंड आफ्टर दैट टुडे आई विल स्टार्ट राइटिंग उत्तराखंड। तो ये स्टेट से स्टार्ट करना है विच आर इन कंटिन्यूस न्यूज और जो अपने स्कीम्स ऑन अ डेली बेसिस लॉन्च करता है। इन द नेक्स्ट 4-5 पेजेस ऑफ दिस स्लाइड यू विल बी एबल टू फाइंड दैट ओके देयर आर लॉट्स ऑफ न्यूज विच आर इन न्यूज एट प्रेजेंट एंड दैट इज रिलेटेड टू द COVID-19 न्यूज। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को COVID-19 न्यूज के पॉइंट्स जो है आइदर इन द फॉर्म ऑफ COVID-19 न्यूज और स्टेट इन न्यूज आपको ये पॉइंट्स रेडी करके रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि नोट्स अपडेट करते हुए चलें। कुछ लोग पूछते हैं सर शेल वी अपडेट द नोट्स और डाउनलोड द PDF, डाउनलोड द PDF, कीप द PDF विथ यू, बट इफ यू विल मेक वन लाइन, सिर्फ एक पॉइंट, दैट वात्सल्य योजना लॉन्च बाय विच स्टेट, वात्सल्य योजना उत्तराखंड, For which purpose? Orphan children who lost their parents in the COVID-19. किसके लिए लॉन्च की गई है? ऐसे अनाथ, ऐसे बच्चों के लिए जो अनाथ हो चुके हैं COVID-19 में, जिनके माता पिता उन्होंने खो दिए, उनके लिए वात्सल्य योजना उत्तराखंड में चीफ मिनिस्टर ने शुरुआत की है सर इसकी। So they will give the their maintenance, for their maintenance funds, एजुकेशन ट्रेनिंग फॉर द एम्प्लॉयमेंट अप टू द एज ऑफ 21 ईयर्स, तो 21 साल की उम्र तक उनको जॉब मिल जाए इसके लिए सरकार कोशिश करेगी। 3,000 rupees पर मंथ स्टाइपेंड विल बी प्रोवाइडेड अंडर इट, 5% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन विल बी गिवन इन द स्टेट गवर्नमेंट जॉब, मतलब वो मिलेगा ही मिलेगा, वो 5% का रिजर्वेशन रहेगा और वो एक एक्स्ट्रा वो है, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर दखल नहीं देगा, सुप्रीम कोर्ट विल नॉट से बिकॉज इट इज नॉट दे आर डूइंग इट फॉर द लाइफ टाइम, वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए अनाउंस कर रहा है दैट इट विल बी 5% फॉर दीज पीपल अंटिल दे विल नॉट गेट द जॉब। तो बस 5% को आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा, 3,000 rupees पर मंथ एक्सपेंस दिया जाएगा अंडर द वात्सल्य योजना। नेक्स्ट है आपके पास, ये कल डिस्कस किया था मैंने, संजीवनी परियोजना, संजीवनी परियोजना लॉन्च बाय हरियाणा गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट ने संजीवनी परियोजना लॉन्च किया है फॉर द मेडिकेशन ऑफ पीपल दोज हैव मॉडरेट और माइल्ड सिम्टम्स ऑफ COVID-19 एट देयर होम, घर पर ही रखकर इलाज किया जाएगा संजीवनी परियोजना में ऐसे लोगों को जिनको मॉडरेट और माइल्ड सिम्टम्स है COVID-19 के।
तो ये थी संजीवनी परियोजना, मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस, मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस। इट इज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? सो इट इज लॉन्च्ड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च किया मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस। व्हाई? टू इंक्रीज द प्रोडक्शन बाय ऑब्जर्विंग द एडिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन इन द स्टेट। स्टेट के अंदर यूनिट्स लगाए जा रहे हैं ऑक्सीजन प्लांट्स के, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन इन द स्टेट। नेक्स्ट है हिट कोविड, HIT हिट कोविड। तो पहले तो फुल फॉर्म होगा हिट का, होम आइसोलेशन ट्रैकिंग कोविड ऐप। इट इज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? बिहार गवर्नमेंट ने लॉन्च किया हिट कोविड। ठीक है, बफरिंग का इश्यू तो नहीं चल रहा है, तो हिट कोविड लॉन्च बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? इट इज लॉन्च्ड बाय बिहार गवर्नमेंट। बिहार गवर्नमेंट ने हिट कोविड लॉन्च किया। द ऐप इज डेवलप्ड बाय बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बेल्ट्रॉन अंडर द गाइडेंस ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री। तो बिहार में ही इसको डेवलप किया है। पीएम मोदी इज वेरी वेरी इंप्रेस्ड बाय दिस वन, दैट पीएम अकॉर्डिंग टू पीएम मोदी दैट यूपी एंड बिहार स्पेशली दीज टू स्टेट्स आर परफॉर्मिंग वेरी वेरी गुड इन द कंट्रोल ऑफ कोविड 19 पेंडेमिक। देखो अब तो ऐप भी लॉन्च कर दिया है, और क्या करे सरकार यार, इतना कर रही है। तो बिहार गवर्नमेंट लॉन्च्ड होम आइसोलेशन ट्रैकिंग हिट कोविड ऐप, और जो ऐप है उसकी काफी तारीफ हुई। स्टेट में ही बना हुआ ऐप है, कुछ नहीं है ऐप में कि मैं आपको और डिटेल्स बताऊं। इफ यू आर थिंकिंग सर इज नॉट टेलिंग द डिटेल्स, नथिंग इज देयर इन द ऐप, बस लॉन्च हुआ है। तो नाम सुन लो, याद रख लो, एग्जाम में आए तो टिक कर दो। ठीक है, डिप्को वैन, डिप्को वैन दिस इज इंपॉर्टेंट। डिप्को वैन इज लॉन्च्ड बाय डीआरडीओ, इट इज डेवलप्ड बाय डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इन्होंने डिप्को वैन लॉन्च किया है। इट इज द एंटीबॉडी डिटेक्शन किट, सो एंटीबॉडी टेस्ट एट होम वी कैन डू विच कैन गिव द रिजल्ट इन जस्ट 75 मिनट, एंड इट कैम ऑफ कर देता हूं। कैम ऑफ कर दिया, आई थिंक नाउ इट इज ओके। कैम ऑफ कर दिया, आई थिंक नाउ इट इज ओके, राइट? जस्ट रिफ्रेश इट वंस, यस जस्ट रिफ्रेश इट वंस। कैम ऑफ कर दिया है, ठीक। नेक्स्ट, परफेक्ट, ऑल ओके, परफेक्ट। नेक्स्ट वन, इंटरनेशनल न्यूज समिट्स, ग्लोबल G20 हेल्थ समिट, ग्लोबल G20 हेल्थ समिट होस्टेड बाय यूरोपियन कमीशन अलोंग विथ इटली। तो पहले तो आपको मैं G20 का वो बता दूं। G20 इज द ग्रुप ऑफ 20 नेशन, वी नो दिस थिंग, राइट? रिमेंबर द ट्रिक बताया हुआ है आप लोगों को, गुरु जी सीता अब SSC FCI मैं जॉब करती है, सो टू जॉब सीता गॉट पैरेलली, दैट इज इन SSC ऑल्सो, FCI ऑल्सो। जर्मनी, USA, रशिया, UK, जापान, इंडिया, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, टर्की, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, साउथ कोरिया, सऊदी अरेबिया, चाइना, फ्रांस, कनाडा, इटली, मैक्सिको, यूरोपियन यूनियन, दीज 20 आर द नेशंस ऑफ G20। अब देखो G20 के जो समिट्स हैं 2021, 2022, 2023, 21 इटली, 22 इंडोनेशिया, 23 इंडिया, दीज आर द शेड्यूल्ड समिट II। ठीक है, ये आपके समिट्स हो गए, अगले तीन समिट्स हो गए आपके। इटली इन कोलैबोरेशन विथ यूरोपियन यूनियन रिसेंटली कंडक्टेड G20 हेल्थ समिट। व्हाई हेल्थ समिट? बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस केसेस, इंक्रीज ऑफ कोरोना वायरस केसेस। सो द समिट एडॉप्टेड द एजेंडा ऑफ ओवरकमिंग द COVID-19 पैंडेमिक, हाउ टू फाइट विद द COVID-19 पैंडेमिक। इट इज ऑल्सो डिसाइडेड टू डेवलप एंड एंडोर्स रोम डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंसिपल। देखो नई टर्म आ गई है, रोम डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंसिपल इंप्लीमेंटेड बाय और साइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप। मैं रिपीट कर दूं, देखो रोम डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंसिपल, इट विल क्रिएट अ क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन दैट दिस इज डेवलप्ड बाय और इट इज अनाउंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप। तो G20 ने अनाउंस किया है रोम डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंसिपल। वॉट इट इज?
aiming at guiding joint action to prevent future health crises, built a safe, fairer, more equable, sustainable world. So Rome Declaration of Principle is related to health crisis of future, not only COVID-19, to prevent the world or G20 nations from the health crisis in the future. यहां पर G20 का एक और इनिशिएटिव है जिसको कहा जाता है एक्ट एक्सीलरेटर, दैट इज एक्सेस टू द COVID-19 टूल एक्सीलरेटर, इक्वल एक्सेस ऑफ टेस्टिंग किट, इक्वल एक्सेस ऑफ COVID-19 वैक्सीनेशन टू द वर्ल्ड, दैट इज कॉल्ड एक्ट एक्सीलरेटर. रोम डिक्लेरेशन प्रिंसिपल इज ऑल्सो रिलेटेड टू दिस. ये सारे पॉइंट हो गए. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इंटरनेशनल समिट सर, One of the very brilliant person who have controlled the COVID-19 cases very quickly in India, our honorable minister of health and family welfare, Mr. Harshvardhan. India mein jinhone puri tarike se COVID ke cases ko easily control kiya, and you know this thing, he is the chairperson of WHO executive board. He deserved this position. Definitely, he deserved this position. WHO Executive Board के chairperson है हमारे honorable health minister Dr. Harshvardhan. Recently, he chaired 74th World Health Assembly in a virtual mode. Virtual mode में World Health Assembly जो है उसको lead कर रहे थे. It is very similar to that, like Dinesh Munge is giving the cricket tips to Sachin, Rahul and Dhoni, Sehwag, these people. Very very similar to that, right? तो 74th World Health Assembly in a virtual mode इसको ये lead कर रहे थे. According to Dr. Harshvardhan, Executive Board asked further efforts which can ensure the fair, equitable access of the COVID-19 vaccine under the COVAX facility. COVAX facility के बारे में हमने discuss किया है. Which is the first Indian state join COVAX program? COVAX program को join करने वाला पहला Indian state कौन सा है? Quick answer, guys. Which is the first Indian state to join the COVAX program? COVAX program, Punjab. Very good. Punjab is the first Indian state to join COVAX program. Now, the organization chief director Tedros Adhanom also participated in it. It was 74th. हमारे लिए सबसे काम की चीज यहां से क्या निकल कर आई? Edition number. Which edition? बाकी सब कॉमन पॉइंट्स हैं. विच एडिशन इज इंपॉर्टेंट फॉर अस? वी नो टू पॉइंट. हु इज द डायरेक्टर ऑफ WHO? टेड्रोस एडनोम. वी नो हु इज द चेयरपर्सन ऑफ WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड? आर ऑनरेबल डॉक्टर हर्षवर्धन. इसके अलावा कुछ भी काम का नहीं है. कोवैक्स प्रोग्राम फर्स्ट स्टेट टू ज्वाइन पंजाब, एंड विच एडिशन ऑफ मीटिंग इट वॉज? 74th एडिशन ऑफ मीटिंग इट वॉज. बस सिंपल पॉइंट निकाल लो आप यहां से. नेक्स्ट वन, International Monetary Fund proposed 50 billion global vaccination plan. 50 billion global vaccination plan that would cover at least 40% of global population by the end of 2021 and at least 60% in the first half of 2022. So International Monetary Fund came in forward ki humko, not only we should not think about the individual nations, we should think about almost every nation in the world. Don't forget that either we are talking about World Bank or we are talking about IMF, which country is actually leading these organization? Do you know this thing? Which country is actually leading these organization? So if IMF is proposing something or World Bank is proposing something, definitely that nation is sitting behind the camera. Which nation is that? That nation is what? United States of America. United States of America. Not India, man. USA. United States of America. So USA is the nation which is sitting behind the camera. Now, you know this thing, USA has already
यूएसए इज नियर टू कंप्लीट द वैक्सीनेशन ऑफ इज नियर टू कंप्लीट द वैक्सीनेशन ऑफ देयर पॉपुलेशन इन यूएसए. वो अपने लोगों का वैक्सीनेशन ऑलमोस्ट कर चुके हैं यूएसए में. Now, they are going to achieve 100% vaccination in USA. So, now International Monetary Fund, World Bank, they are coming forward that now we need to think about the global one. That is good, that is good. They should take care about their people first. And similar to that was expected from the Indian leaders as well. Ki wo bhi apne logon ke baare mein pehle sochte. So, under the COVAX program, same program, COVAX program, equitable access of the COVID-19 vaccination to everyone. IMF International Monetary Fund started on 27 December 1945 with 29 members. At present, there are 190 members of IMF. Principality of Andorra. Andorra ki riyasat is the 190th member of World Bank. 190वा देश जो है वो Andorra है किसका? IMF का, International Monetary Fund का. Kristalina Georgieva is the managing director. Washington DC, US is the headquarter. Geeta Gopinath is the chief economist of IMF. अगला point. Next point. International News MOU. India and Oman renewed. Memorandum of Understanding on the Military Cooperation along with the annexure on Maritime Issue. Military Cooperation and Maritime Issue. Do word nikal lo yahan se. Recently India and which country has signed MOU? Recently India and which country has renewed their MOU in the field of Military Cooperation and Maritime Issues? Answer will be Oman. Oman, Muscat is the capital, Riyal is the currency. Clear? Simple sa point. Next one, MOU. India and Israel. Israel, back to the business, sir. So, India and Israel have inked 3-year joint work program which will continue till 2023. Which will continue till 2023. It was initiated by the aim of enhancing the cooperation in the field of agriculture. To kis kshetra mein? Krishi ke kshetra mein. Krishi mein sahyog badhane ke liye ye MOU sign kiya gaya hai. 13 center of excellence will be set up in India for farmers. Farmers with Israeli technology and water technology. Israel ke jo farm aur water technologies hain, unka use karke India mein jo farmers hain, India inside the India for the farmers, this facility will be increased to with the target of doubling the farmers' income by the year 2022. 2022 tak jo kisan hain unki aay kya kar di jaye, double kar di jaye. But definitely Israel will help and government of India is working for it also. तो इंडिया और इसराइल के साथ एमओयू साइन हुआ है. ठीक है, क्या एसबीआई क्लर्क के एडमिट कार्ड आ जाने वाले हैं? मैं ग्रुप पर डेफिनेटली शेयर कर दूंगा जब आपके कार्ड आ जाएंगे, एडमिट कार्ड आ जाएंगे. ठीक, नेक्स्ट वन इंटरनेशनल न्यूज है. माइक्रोसॉफ्ट टू शट डाउन इंटरनेट एक्सप्लोरर आफ्टर 25 ईयर्स इन 2022. 2022 में इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है आपका वो खत्म हो जाएगा. यस, इट विल बी गोइंग टू शट डाउन ऑन 15th of June. 15 जून 2022 से इसको बंद कर दिया जाएगा. दैट विल बी द लास्ट डेट. 15 जून 2022 विल बी द लास्ट डेट फॉर इंटरनेट एक्सप्लोरर. नेक्स्ट बिजनेस न्यूज, ऑनलाइन फार्मेसी स्टार्टअप फार्मेजी acquired MedLife. ये पहले अनाउंस हो चुका था. नाउ द मर्जर विल बी कंप्लीटेड एंड द कस्टमर्स ऑफ MedLife विल बी ट्रांसफर्ड ऑटोमेटिकली टू द फार्मेसी. मतलब वो ऐप आपको अपडेट का ऑप्शन आएगा, दैट अपडेट योर ऐप. द मोमेंट यू विल क्लिक ऑन अपडेट, यू विल बी ट्रांसफर्ड टू फार्मेसी. आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा किसको? फार्मेसी को. सो नाउ फार्मेसी विल लीड will be the largest online pharma company in India. So, badi pharma company ban jayegi India ki. Chaliye sir, last MCQ discuss kar raha hun. Enough for the day. Yeah, take it easy, farm easy, correct.
और एड भी अच्छे आते हैं ना, फार्मिजी फार्मिजी, तो बढ़िया लगता है वर्ड। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर प्रहलाद सिंह पटेल हैज अनाउंस्ड दैट सिक्स कल्चरल साइट्स ऑफ इंडिया विल बी इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। विद दिस द टोटल नंबर ऑफ साइट ऑफ यूनेस्को विल इंक्रीज टू हाउ मच, टोटल कितनी साइट्स हो जाएंगी सर इंडिया से? करेक्ट आंसर इज 48, सो देयर विल बी टोटल 48 साइट्स फ्रॉम इंडिया। टेम्पल ऑफ कांचीपुरम इज वन ऑफ द सिक्स हेरिटेज साइट। दिस टेम्पल ऑफ कांचीपुरम इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? स्टैटिक जीके के फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है कि कांचीपुरम टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सो इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? इट इज लोकेटेड इन तमिलनाडु। गंगा घाट वेरी वेरी फेमस इन द रिसेंट टाइम इन न्यूज, सो इट विल बी इन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट, गंगा घाट ऑफ वाराणसी। आफ्टर दैट कांचीपुरम टेम्पल इन तमिलनाडु, सतपुरा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, भेड़ा घाट मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र मिलिट्री आर्किटेक्ट एंड बैनकल मेगालिथिक साइट ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका। तो ये आपके पास हो गए। लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, विच कंट्री हैड सक्सेसफुली लॉन्च्ड अ न्यू ओशियन ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हाई यांग 2G? हेयांग और हाई यांग, हेयांग 2D इज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन? सो करेक्ट आंसर इज चीन। चाइना इज वर्किंग प्रॉपरली मैन, दे आर वर्किंग ऑसम। I think they believe in give the problem to world and do proper development, right? कि develop करने के दो तरीके हैं, एक आप बड़ा बनो, दूसरा दूसरों को छोटे बनाओ, आपकी स्पीड बढ़ जाती है। They believe in that. India don't believe in this, right? India believe in the development of our own, कि हम अपने self development पर focus करें instead of making any other nation small, कि उनको नीचे गिरा कर ऊपर बढ़ने से बेहतर ये है। सॉरी ये आ जाएगा पेपर में, ये वाला क्वेश्चन दो बार छीक आ गई, ऐसा करते हैं ना। व्हेन वी वर स्टडिंग फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन व्हाइल रीडिंग वन डे आई वाज फीलिंग लिटिल बिट अनइजीनेस, सो बार बार मुझे छीक आ रहा था, बार बार, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। सो वन ऑफ माई रूममेट वॉट ही वॉज डूइंग whenever I was sneezing, he was making stars. So I said, what you are doing? You sneeze na, it will come in the exam. I said, अरे सर्दी है भाई, तो मैं तो पूरी रात छींकूंगा, तुम पूरी रात स्टार्स लगाते रहोगे क्या? तो ये पूरी रात स्टार्स मत लगाओ। फिर उसको समझ में आया, ओके ओके, he said, ओके ओके, आई थॉट दैट बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, तो ही वॉज मेकिंग स्टार्स। ऐसा होता रहता है, ठीक है। चलो so guys, I'll meet you now. I'll meet you now today 3 o'clock. We have a paid class. I forgot the topic. I think it is money market. So I will be there. Topics itna problem nahi hai. I can take any topic of banking at any time. So main milunga aapse 3 baje and for the class. Till that time, guys, keep watching all about. Please download the PDF from the description. After 1 hour, it will be available in the description. I'll meet you on YouTube tomorrow morning in TNA. Till that time, keep watching Olive Board. Jai Hind. Hi all, welcome to Olive Board. My name is Harshita and I'm an English expert at Olive Board. I'm really excited to introduce to you Olive Board's SBI Clerk 2021 batch. With 40 plus live classes and practice sessions, 100 plus mock tests, topic tests and sectional tests, this course will help you learn smarter and score higher in SBI Clerk 2021. Our curriculum will help you improve your accuracy by up to 63% and increase your score by up to 18 marks in the actual exam, thus giving you the ability to devise your ideal strategy to ace the SBI Clerk exam. You will also have exclusive access to study notes like class PDFs and exclusive topper strategy sessions to make sure that we tick all the boxes when it comes to your preparation. So enroll and start your preparation with Olive Board today. This is Bhupat Raja Himasagar from Srikakulam district, Andhra Pradesh. I got selected in the SBI PO notification 2020.
Through online videos in the YouTube, I came to know about Olive Board Edge.